नमस्कार दोस्तों, किरण की रसोई से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मटर पुलाव की गर्मा गर्म रेसिपी। तो आइए दोस्तों मेरे साथ बनाते हैं मटर पुलाव। मैं कैसे बनाती हूँ आपको मैं आज बता रही हूँ। मटर के पुलाव के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, मैंने यहाँ पर कम से कम 1.5 गिलास बासमती राइस लेकर धोकर इसे 10 मिनट का भिगो कर रखा हुआ है। और मैं लूँगी अदरक और लहसुन को मैंने पतला लंबा काट कर रखा हुआ है। और साबुत मसाले तेज पत्ते दो मोटी इलायची, कुछ काली मिर्च के दाने, लौंग और दालचीनी का टुकड़ा, 2 प्याज मैंने लंबे और मोटे काटे हुए हैं, 1 कटोरी भरकर मटर के दाने निकाल कर साफ धोकर मैंने इन्हें ले लिया। नींबू का रस मैं लूँगी लास्ट में डालने के लिए, जिससे पुलाव खिला खिला बनता है, और रिफाइंड ऑयल सारे मसालों को और पुलाव को पकाने के लिए और साबुत सूखे मसालों में जीरा, नमक, गरम मसाला, पिसा धनिया, देगी मिर्च और थोड़ी सी मैं हल्दी भी डालूंगी। तो आइए दोस्तों बनाते हैं किरण की रसोई से हरे मटर का पुलाव। सबसे पहले पर मैंने रखा हुआ गैस पर गर्म होने के लिए, और रिफाइंड को मैं गर्म होने दूंगी। कुकर में मैं बना रही हूँ मटर पुलाव। मटर बहुत आ रहे हैं आजकल, देखिए कितने अच्छे और मीठे। पहले मैं इसमें डाल रही हूँ तेज पत्ता, इससे पुलाव का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये मैं साबुत मसाले डाल रही हूँ मोटी इलायची से, और रात के टाइम सर्दियों में चावल वाई बाजी नहीं करते। दालचीनी से भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और काली मिर्च से भी और लौंग से भी। साबुत मसाले आप पुलाव में ज़रूर डालें, इससे इनका स्वाद बहुत बढ़ जाता है। और मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच जीरा, इसे मैं साथ में दूंगी। फिर मैं डाल रही हूँ ये लहसुन अदरक जो मैंने लंबे बारीक कटे हुए रखे थे, इन्हें मैं लाइट ब्राउन होने दूंगी। देखिए इलायची फूल गई है, मोटी इलायची। बाद में इन साबुत मसालों को हम पुलाव से निकाल देंगे, वो किसी के मुंह में ना आए। अब मैं इसमें ये प्याज डाल रही हूँ, इसे मैं सॉटे कर लूँगी। सर्दियों में सर्दियाँ आए और मटर पुलाव ना बने, ये तो हो ही नहीं सकता। हर घर में मटर पुलाव ज़रूर बनता है, और आप मेरे तरीके से बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनेगा और बहुत जल्दी भी बन जाती है ये रेसिपी। अब मैं इसमें मटर भी डाल रही हूँ, इन्हें मैं थोड़ा चलाऊँगी। मटर मैंने ज़्यादा डाले हैं क्योंकि इससे पुलाव बहुत अच्छा लगेगा। हम मटर का ही पुलाव बना रहे हैं, तो मटर तो इसमें ज़्यादा होने ही चाहिए। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, थोड़ी सी हल्दी थोड़ी सी डाल रही हूँ कलर के लिए, देगी मिर्च 1/2 चम्मच, गरम मसाला 1/2 चम्मच, पिसा हुआ धनिया 1/2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, इसे हमें थोड़ी देर ऐसे ही चलाते रहना मसालों के अंदर, मटर और प्याज और साबुत मसाले में भून रही हूँ। इसे 2 से 3 मिनट तक मैं ऐसे ही पकाऊंगी, और इसके बाद हम पानी डालेंगे।
आप ध्यान रखिए हमेशा कि जो भी मेजरमेंट आप लेते हैं, जैसे मैंने इस ग्लास के अकॉर्डिंग ग्लास भर के डेढ़ ग्लास चावल लिया है, 5 लोगों के लिए मैं ये बना रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, पर जो भी मेजरमेंट लें उसी के अकॉर्डिंग हम पानी इसमें डालेंगे। हमने इसमें डेढ़ ग्लास चावल लिया, चावल का अलग अलग हिसाब होता है, अलग अलग चावल में अलग अलग तरह का पानी डलता है। तो इस मेरे पास जो राइस है बासमती राइस मैंने लिए हैं, तो उसमें पानी डलेगा, डबल नहीं डालती मैं इसमें, इसमें मैं 2.5 ग्लास पानी डालूंगी, अगर 1.5 ग्लास मैंने चावल लिए। ये मटर मेरे हो चुके हैं, अब बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की, साबुत मसालों की, मटर प्याज सभी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और अब मैं इसमें पानी डालने जा रही हूँ, 1 ग्लास, दो और ये 1/2 ग्लास में, इसे मैं बॉईल होने दूंगी, उसके बाद मैं अपने पुलाव चावल इसमें डालूंगी। तेज आंच पर आप इस ग्रेवी को बॉईल होने दीजिए। चावल अगर हम साथ में डालते हैं तो वो थोड़े चिपके चिपके बनते हैं, अगर हम ग्रेवी को बॉईल कर लें गर्म पानी में, अगर हम चावल डालते हैं तो वो खिले खिले बनेंगे और चिपकेंगे नहीं, इसीलिए मैं इस पानी और ग्रेवी सभी को बॉईल कर रही हूँ। तो एक बॉईल आने पर फिर मैं राइस डालूंगी, तो मटर का पुलाव हमारा बहुत खिला खिला और बहुत टेस्टी बनने वाला है। देखिए हल्का हल्का बॉईल आने लगा है और ग्रेवी देखिए आपको पकी हुई नजर आएगी। ये एकदम लाइट आप खाना है, आप इसे डिनर में बनाएं, लंच में बनाएं, जब आपका हल्का खाना खाने का मन हो तो आप इसे जरूर बनाएं और जरूर खाएं। देखिए बॉईल आना शुरू हो रहा है, इस साइड से देखिए अब बॉईल हो रहा है पानी सारा मेरा, तो मैं इसमें ये राइस अपने डाल दूंगी सारे। मैं अच्छे से हिलाकर ऊपर से मैं लास्ट में इसमें लेमन जूस, 1 नींबू का जूस डाल रही हूँ, इससे भी हमारा पुलाव टेस्टी और खिला खिला बहुत अच्छा बनेगा। तो मैं इसे कुकर को बंद करके 1 विसल आने तक पकाऊंगी, सिर्फ 1 ही विसल दिलवानी हमें और बंद कर देना गैस। एक विसल आने के बाद मैं गैस को बंद कर दूंगी, पर हमें अभी एकदम कुकर खोलना नहीं है, इसका प्रेशर रहने तक हमें इसे बंद रखना है, प्रेशर खत्म होने के बाद ही हम इसे खोलेंगे, उसके बाद मैं इसे सर्व करूंगी। अब देखिए दोस्तों इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और ये देखिए पुलाव मेरा बिल्कुल तैयार है, मैं इसे नीचे से ऊपर तक आराम से हिलाऊंगी बिल्कुल प्यार से, क्योंकि चावल टूट जाते हैं, अच्छी तरह मिक्स करके और मैं इसे सर्व करूंगी। अब देखिए मटर पुलाव गर्मा गर्म खाने को बिल्कुल तैयार है और आप इसे सर्व कीजिए, आप दही के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं और चाहे आप ऐसे ही भी इसे खा सकते हैं, क्योंकि मसाला राइस है, तो आप इसका आनंद लीजिए और खाइए। और किरण की रसोई से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।